प्रखंड प्रमुख ने किया 5,000 कंबलों का वितरण। रंगरा चौक प्रखंड के प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव ने अपने पुत्र यशराज के जन्मदिन और मकर संक्रांति के अवसर पर अपने आवासीय परिसर में एक समारोह का आयोजन कर 5,000 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया है। इस अवसर पर सहभोज का कार्यक्रम भी किया गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख मोती यादव ने कहा कि वह शुरू से ही आम लोगों के हक हुकूक के लिए संघर्ष करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मोती यादव ने कहा कि मानव की सेवा ईश्वर की पूजा करने जैसा है। इस अवसर पर उप प्रमुख पवन यादव, संजय यादव, दिवाकर सिंह, सन्नी यादव, मुखिया मंजू देवी समेत अन्य की भी भागीदारी देखी गई। जानकारी दी गई है कि रंगरा के मुरली, भवानीपुर, मंदरौनी, सधवा चापर समेत कई गांवों के जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। रंगरा पीएचसी में कोरोना जांच, 119 का हुआ रैपिड एंटीजन तो 70 लोगों का हुआ आरटीपीसीआर। रंगरा पीएचसी में हुए कोरोना जांच में 119 लोगों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया है, जबकि 70 लोगों का आरटीपीसीआर किया गया है। रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि रैपिड एंटीजन किट से किए गए 119 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि आरटीपीसीआर किए गए 70 लोगों का सैंपल भागलपुर लैब भेजा गया है। रिपोर्ट 2 दिन बाद आना है। जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने पिता को मुक्त कर पुत्र को किया गिरफ्तार। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के मंदरौनी गांव में मनीष कुमार पर हुए जानलेवा हमला करने के मामले में हिरासत में लिए गए मंदरौनी निवासी अनंत सिंह को पुलिस ने पूछताछ के बाद मुक्त कर दिया है, तो दूसरी तरफ उसके पुत्र मुख्य आरोपी निशांत कुमार को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में अन्य आरोपियों की भी पुलिस को तलाश है। मंदरौनी गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 मंदरौनी चौक पर शराब पीकर हंगामा कर रहे युवक को रंगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान मंदरौनी निवासी गुलशन कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने गुलशन का चिकित्सकीय जांच करवा कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मामले में रंगरा थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि जब युवक शराब पीकर हंगामा कर रहा था तो उसी वक्त स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया।